चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज के बेटेक न्यूज़। और सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो एप्पल की तरफ से आ रही, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों। आईफोन 12 सीरीज़, ऐसे कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रीन जो है वो बहुत ही आसानी से स्क्रैच हो सकती है। लेकिन इसके लिए आप अगली खबर सुन लीजिए दोस्तों, वो तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आईफोन के 1 बिलियन एक्टिव यूजर से एक सर्वे किया गया जिसके अंदर देखा गया कि वर्ल्ड वाइड आईफोन के 1 बिलियन एक्टिव यूजर से 1 बिलियन मतलब कितने होते हैं दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों। और अगली न्यूज भी एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल के आईफोन 13 12 सीरीज अभी लॉन्च हुई, इंडिया में भी नहीं आई, लेकिन आईफोन 13 की बातें होना चालू हो गई। और ऐसी रिपोर्ट निकल के आई कि आईफोन 13 में 1 TB तक स्टोरेज यूनिट वाला फोन जो है वो आने वाला है। 1 TB मतलब आज का दिन जो है वो एप्पल का है। बहुत सारी अमेजिंग न्यूज आ रही है एप्पल की तरफ से। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों सैमसंग की तरफ से आ रही। सैमसंग ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है जिसका नाम होने वाला है गैलेक्सी स्पेस। और अगर आप इस इमेज को ठीक से देखते हैं तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा इस नाम के नीचे क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे। सैमसंग ने लिखा है, सबसे पहले लिखा है VR मतलब वर्चुअल रियलिटी के कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले, साथ ही साथ स्मार्ट वॉचेस स्मार्टफोन सारे प्रोडक्ट्स लिख दिए सैमसंग ने। देखना इंटरेस्टिंग होगा गैलेक्सी स्पेस इस नाम से सैमसंग का कौन सा पहला प्रोडक्ट आता है। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स की तरफ से आ रही। माइक्रोमैक्स इन इस सीरीज के फोन 3rd of November को लॉन्च होने वाले, लेकिन आज इस फोन का फर्स्ट लुक जो है वो माइक्रोमैक्स ने रिवील कर दिया है। कुछ डिजाइन आपको कैसे लग रहा है इस फोन का, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो ओप्पो की तरफ से आ रही। ओप्पो का अगला आने वाला फ्लैगशिप लेवल का फोन, ऐसे कहा जा रहा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 इस चिपसेट पे आने वाला है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 ये चिपसेट 1st December को लॉन्च होने वाला है। और उसी टाइम पे ऐसे कहा जा रहा है ये चिपसेट भी लॉन्च हो सकता है। और ऐसे कहा जा रहा है ये जो चिपसेट होने वाला है अभी का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस इससे भी हायर परफॉर्मेंस देने वाला है। देखना इंटरेस्टिंग होगा ओप्पो की तरफ से कौन सा फोन जो है वो इस प्रोसेसर पे आता है। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो रियलमी की तरफ से आ रही। रियलमी C15 फिर से लॉन्च होने जा रहा है। मतलब क्वालकॉम के प्रोसेसर पे ये फोन जो है ये लॉन्च होने वाला है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 ये प्रोसेसर आने वाला है इस फोन के अंदर। फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका पेज आ गया है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो चुकी है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा रियलमी ने ये फोन जो है क्यों लॉन्च किया। रियलमी C15 जो कि मीडियाटेक के प्रोसेसर पे था वो पहले से ही लॉन्च किया था, फिर अब क्वालकॉम के प्रोसेसर पे लॉन्च करने का क्या मीनिंग बनता है। मतलब रियलमी क्या करते जा रहा है खुद रियलमी को नहीं समझ में आ रहा। इतने सारे फोन्स, इतने सारे नए नए प्रोसेसर पे फोन, अब कुछ अलग करने जा रहा है रियलमी। क्या आप इससे खुश है या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो OnePlus की तरफ से रही। OnePlus का स्मार्ट वॉच 26 अक्टूबर को ये वॉच है ये लॉन्च होने वाली थी, लेकिन इस इवेंट में सिर्फ 2 ही फोन्स लॉन्च किए OnePlus ने, OnePlus N10 और OnePlus N100। वॉच जो है वो लॉन्च नहीं की और ऐसे कहा जा रहा है कि ये जो है ये डिलेड कर दिया है अनडेफिनाइट पीरियड के लिए। मतलब कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आई अभी निकल के। और ये जो रिपोर्ट है ये मैक्स जे ने दिया है ट्विटर के ऊपर। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों LG की तरफ से आ रही। LG ने आज 2 फोन्स लॉन्च किए इंडिया के अंदर, LG वेल्वेट और LG विंग। सबसे खराब लगा LG वेल्वेट, इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 मतलब 2 साल पुराना प्रोसेसर दिया है, जो कि पोको F1 में आता था वो प्रोसेसर डाल के दिया है। और इसका बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई 36,000 जबकि पोको F1 लॉन्च हुआ था 20,000 के अराउंड। मतलब इस प्रोसेसर पे आने वाला फोन LG जो है वो 36,000 में बेच रहा है 16,000 ज्यादा प्राइस पे। और अगर आप इस फोन का ड्यूअल स्क्रीन वेरिएंट लेते तो इसकी प्राइसिंग रखी गई 46,000 जबकि LG विंग ये 70,000 में रखा गया। ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि इसकी स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो बहुत ही यूनिक है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो नोकिया की तरफ से रही। नोकिया इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, वैसे मुझे भी नहीं हो रहा दोस्तों, लेकिन एक रिसर्च आई है काउंटर पॉइंट की तरफ से। उनका कहना है कि नोकिया इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज। मतलब जो सॉफ्टवेयर के अपडेट रहते या फिर सिक्योरिटी पैच अपडेट रहते या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहते, सारे में नोकिया जो है वो पहले नंबर पे वर्ल्ड वाइड। आपका क्या कहना है इस रैंकिंग को लेकर, नोकिया सच में एक नंबर पे पोजीशन होना चाहिए या फिर वन प्लस या फिर सैमसंग, इन दोनों में से कौन सा ब्रांड नंबर एक पे होना चाहिए, आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आज की फाइनल न्यूज है दोस्तों, फ्लिपकार्ट के सेल कल से चालू होने वाले, लेकिन आपको स्मार्टफोन के ऊपर डील जो है वो अभी से मिलना चालू हो जाएंगे तो आप फ्लिपकार्ट के ऊपर इन्हें जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टेक न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।